हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है सबका पूनम सिंह रेसिपी में। मैं पूनम आज कटहल की सब्जी की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, तो आप सब पूरी वीडियो देखिए, मिस ना कीजिए और लजीज रेसिपी का लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपी में। तो आज मैं कटहल और आलू की बेसिक सब्जी जो होती है कड़ाही वाली विलेज स्टाइल में, वो मैं आपको बनाकर बताऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। तो हम दो आलू ले लिए हैं और काट लिए हैं हाफ के जी। कटहल है, इसको भी हम इसका ऊपर का छिलका साफ करके काट लिए हैं और बस एक सीटी लगने तक इसे उबाल लिए हैं, जो इसमें कसैलापन स्वाद होता है वो निकल जाए। और हम ले लिए हैं दो प्याज, हम काट लिए हैं पतला पतला स्लाइस में, और इसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, और तेल भी हम थोड़ा ही डालेंगे, दो सर्विंग स्पून के करीब ये तेल है। इसको हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, तेल गर्म हो चुका है, और थोड़ा सा हम डालेंगे हींग। हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है और नुकसान भी नहीं करता है कटहल। इसको हम तेल में ही डाल देंगे पहले, और थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, ताकि कटहल में नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिल जाए और नमक का स्वाद भी आ जाए बढ़िया। अब इसमें हम डाल देंगे कटहल, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ये तेल में हल्दी जल जाएगा नहीं तो। तेल गर्म हो चुका था, उसके बाद ही हम हल्दी डाले थे। इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्दी डालने से है कि इस पर हल्दी का कलर आ गया अच्छी तरह से। अगर आप बॉयल करें तो उसमें भी हल्दी नमक डाल दें तो अंदर तक ये कलर और नमकीन हो जाता है कटहल। कटहल फ्राई हो गया है जैसा चाहिए, और इसी में हम डाल देंगे आलू। आलू दो बॉयल हम करके और इसको पीसेज में काट लिए हैं, इसको भी थोड़ी देर हम इसी में फ्राई कर लेंगे। गैस को थोड़ा सा हम कर देंगे तेज कि आलू जल्दी से फ्राई हो जाए। इसमें तड़का के लिए हम ले लिए हैं मसाला, तो ये एक इलायची है काली वाली बड़ी वाली, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा है, चार पाँच लौंग है, जीरा एक चम्मच हम ले लिए हैं, दो तेज़पत्ता है, दो हरी वाली इलायची है, और जावित्री है थोड़ा सा, तो एक ज़रा सा जायफल है। जायफल से है कि कटहल की सब्ज़ी में मटन का स्वाद आता है, तो आप लोग भी ज़रूर जायफल डालें मटन की कटहल की सब्ज़ी में। इस सबको हम क्रश कर लेंगे खड़ा गरम मसाला को। कटहल आलू फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी और सारा तड़का हम डाल देंगे इसी में। दोनों इलायची को हम क्रश कर लिए हैं, सबको चला देंगे, तड़का चटक जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। आप सब भी तो कटहल का सब्जी बनाते होंगे, कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि आप सब कैसे बनाते हैं। तड़का चटक गया, अब इसी में हम डाल देंगे प्याज, और इसको हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है कढ़ाई में जो कटहल बनता है। वैसे कटहल की तो और हम रेसिपी अपलोड किए हैं, लेकिन उसको हम बनाए हैं कुकर में, तो कुकर और कढ़ाई दोनों का स्वाद अलग हो जाता है, ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई कहीं कटहल का सब्जी लगता है, क्योंकि कुकर का जो सब्जी होता है वो जल्दी से आसानी से तो बन जाता है, लेकिन फिर ठंडा होने के बाद उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन कढ़ाई में बना कटहल का सब्जी या कोई भी सब्जी आप कढ़ाई में बनाइए, बिल्कुल एज इट इज स्वाद रहता है। जैसा आप पहली बार खाएं और उसको फिर दूसरे टाइम खाएं तो सेम टेस्ट रहता है सब्जी का। प्याज फ्राई हो गया, देखिए
अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक सर्विंग स्पून हम इसमें पेस्ट डाल देंगे, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हम डाल देंगे इसमें धनिया, काली मिर्च और जीरा का पाउडर है, ये होममेड पाउडर है, इसे घर में बनाइए मसाला सुगंधित रहता है। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और मसाला को अच्छी तरह, एकदम जब सुगंध इसका आने लगे भुना हुआ सोंधा सोंधा, तब हम इसमें सब फ्राई की हुई सब्जियों को मिलाएंगे। तब तक हम इसे ऐसे ही भूनेंगे जब तक कि ये तेल न छोड़ दे और घी को भी न छोड़ दे। ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, तेज आंच बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, धनिया पत्ता से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कटहल की सब्ज़ी में। कोई भी सब्ज़ी आप बनाइए जिस धनिया पत्ता डालिए तो मसाला फ्राई करते समय ही डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए मसाला भी भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सारा सब्जी, सब्जी के साथ भी हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। तो इसमें आलू और कटहल को हम डाल देते हैं और इसको हम भूनेंगे 2 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसाला के साथ सब्जी को, आलू कटहल को। इसी में हम डालेंगे नमक, नमक थोड़ा हम डाले थे फ्राई करने में भी, लेकिन ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, उसमें हल्का ही नमक पड़ा था, तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि जो साइड में मसाला चिपका हुआ है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसे ऐसे ही हम चला देंगे ताकि मसाला नमक सब मिल जाए और ये मीडियम फ्लेम पर इसको हम ढक ढक कर भूनेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये एक साथ ऊपर नीचे बराबर भुन जाए। देखिए अब करीब भुन चुका है, इसे और थोड़ी देर हम करीब 1 मिनट और भूनेंगे ताकि इसका पानी सब सूख जाए। चलिए अब देखते हैं इसको, तो इसका पानी अब सूख चुका है और सुंधा सुंधा खुशबू भी आ रहा है इसका। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। कटहल आलू तो बिल्कुल पक गया है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी भी ज़रूरी है, चावल या रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाइए और पूड़ी के साथ तो सबसे मस्त लगता है ये सब्जी। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी, पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें डालिए, कम ज़्यादा करना अपने हाथ में है, ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो जलाने में गैस भी बर्बाद होगा, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही आप सब सब्जी में पानी डालें। तो हमें तो चावल के साथ इसको खाना है तो हम थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे। अब इसको हम उबलने देंगे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए देखते हैं सब्जी का क्या कंडीशन है। तो सब्जी बिल्कुल तैयार है, जितना ग्रेवी हमें चाहिए उस हिसाब से तैयार है, कटहल भी गल चुका है एकदम अच्छी तरह से। तो चलिए अब आप लोग को हम सर्व करके दिखाते हैं। तो तैयार है, स्वाद से खाइए आप लोग, तब कमेंट करके बताइए मुझे कि ये लजीज रेसिपी कैसी लगी आप लोग को। बहुत लोग का था कि आप हमें कटहल की सब्जी बनाकर दिखाइए, रेसिपी डालिए उसकी, तो आज हम ये रेसिपी लेकर आए हैं कढ़ाई वाले कटहल के सब्जी की रेसिपी। रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें।
तो फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाते जाइए, खिलाते जाइए और कटहल का गुण गाते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।